दिल का दरिया हासिल हुआ। लिरिक्स तो गलत ही होंगे मेनू पता है, क्योंकि एक्साइटमेंट बड़ी ज्यादा लेवल की हो चुकी है। हम जा रहे हैं मूवी देख। वायलेंस 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 आई डोंट लाइक इट। KGF 2 हम देखने जा रहे हैं चैप्टर 2, और KGF 1 चैप्टर 1 इसने नहीं देखा था, मैंने देख लिया था, मगर मैंने इसको दोपहर को दोबारा दिखाया ताकि इसको एक्साइटमेंट हो। तो हमने बहुत सालों से जो पैसे जोड़ रखे थे वो हमने आज पिक्चर की टिकट लेने में खर्च दी। आई कांट अवॉइड, बहुत महंगी होगी टिकट। मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। कह देना उनको कि मैं आ रहा हूं। लेट नाइट शो है, घर का ध्यान रखना। डॉक्टर नहीं तैयार हो गई है। हेलो हेलो हेलो, हम आ गए हैं पिक्चर देखने। हम पहुंच गए हैं चाणक्यपुरी यशवंत पैलेस, और यहाँ पर PVR है। हम पहली बार यहाँ पिक्चर देखने आए हैं क्योंकि और कोई सीटें मिल नहीं रही थी। और 10 मिनट, टोटल 10 मिनट है तुम्हारे पास मोमोज खाने के लिए। बस दिल थामो, भागो और खा लो, फिर मूवी देखते हैं, फिर आपको रिव्यू बताते हैं, ठीक है? वो दुकान सबसे पहले हमें दे देना, उससे ही खाएंगे। बावर्ची से खाते हैं ना। कौन सा है वो बावर्ची? वहीं से खा लेते हैं। सुमित कहाँ से खाता है? हाँ चल चल। पिक्चर स्टार्ट हो रही है, चिकन मोमोज कर दीजिए फटाफट। एक प्लेट अंकल, वो सो स्वीट लड़का आज सुंदर बन के आया मेरे लिए, तैयार हो गया। रुको दिखाती हूँ। अरे शक्ल तो अच्छी बनाओ। ये सुंदर होता है? ये सुंदर है। एक दिन दुनिया का सारा सोना तो मिला कर दूंगा माँ। हमें इतना ही मिल जाए हम उतने में खुश हैं। सोचो कितनी कम इच्छाएं हैं हमारी। उन्हें समझ आई PVR वाले एक बब्बल गम तक अंदर नहीं ले जाने देते। साले 15 रुपए के पॉपकॉर्न 500 रुपए के देते हैं। हम नहीं खाने हमें तुम्हारे महंगे पॉपकॉर्न। बब्बल गम तो ले जाने दो अंदर, खट्टी मीठी टॉफियां। मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ कि ये 500 के पॉपकॉर्न खाएगी। यार मैं सदियों में, मुझे ऐसा लग रहा है पिछले जन्म में कभी गई होंगी पिक्चर देखने। गई होंगी एक टाइम ऐसा था कि हमें ऐसा लगता था पिक्चर देखने जाना है, हम घर में बैठे थे पजामों में भाग जाते थे क्योंकि 15 मिनट होते थे। अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे शादी की तैयारी नहीं होती, इसे वेडिंग कार्ड छपता है। आज सुबह ही हमें पता था कि हम पिक्चर देखने जा रहे हैं। इतने एक्साइटेड हो कि इफ़ यू वॉन्ट टू इन्जॉय स्लीप फॉर 1 आवर, ये मुझे बोल रहा है। कोरोना ने सिखा दिया कि भैया ये जो चीज़ें बड़ी आराम से मिल जाती थी ना तुम्हें, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी खुशियाँ हो गई हमारे लिए। आज तो मतलब हमारी मस्त डेट चल रही है। मेरे पास भी हथियार है। इतने स्पाइसी थे ना, हमने 5 मिनट में खाया मुंह जल गया। चल 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 चल, स्टार्ट हो गई स्टार्ट हो गई। कैसी लग रही है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मुझे एक्शन ज़्यादा पसंद नहीं होती, बट इसमें ना बहुत बढ़िया प्यारी स्टोरी है। इसमें मुझे बोलने ज़्यादा बता नहीं सकती, मुझे समझ नहीं आता फिर क्या डाइट क्या है। मेरे मन में जो बातें हैं ना मैं नहीं बोल पाती यार। मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं ये कह रही हूँ कि जितने में पॉपकॉर्न और पेप्सी का कॉम्बो है ना, उतने में एक महीने में बच्चे का दूध आ जाता है। बड़े बच्चे रो रहे हैं। किसी के तो होंगे। डबल लाइन डबल लाइन। ये तो गर्म ही नहीं है यार, कुछ तो कर दो यार, इतने पैसे दे रहे हैं। बढ़िया गर्म देना, हमारे बच्चे नहीं खाएंगे नहीं तो। थैंक यू। इनकी जोर बजारी देख यार, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट ले लेते PVR के अंदर पॉपकॉर्न बना के देने। उठाओ उठाओ उठाओ, चलो क्या करेगी।
प्यारी पिक्चर थी, बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी यार। मेरी बात सुनो, रिव्यू शिव्यू देना मुझे आता नहीं है, बट मैं तुम्हें सच्ची में बता रही हूँ, भगवान की कसम 100/100 क्या बढ़िया पिक्चर थी। इतनी फाइटिंग सीन्स है ना, इतने फाइटिंग सीन्स हैं, मुझे कतई पसंद नहीं आते फाइटिंग वाले, बट सोचो विलन से आपको प्यार है, ऐसी पिक्चर है। और कैरेक्टर्स भी इतने प्यारे प्यारे लिए हुए ना, हुए। और कुछ कैरेक्टर्स की तो शक्लें इतनी खूंखार हैं, हरकतें भी खूंखार हैं, बहुत ही ऐसे दानवों वाली पिक्चरें हैं। अच्छा आप तुम खुद बता रहे हो इनको, संजय दत्त तो सबको पता ही है। अच्छा अच्छा, फिर तो रवीना टंडन भी है। बाबा बाबा, हाँ ले लो मजे। फिर ये कैसा, ये रिव्यू हो रहा है, ये रिव्यू मतलब स्वैग से जीना और स्वैग से मरना, इस पे पूरी पिक्चर है। मैं इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं बता सकती। और कौन सा विलन आपको ज्यादा पसंद आ रहा है, वो भी एक डिबेट है, क्यों जी? अरे हमारा वाला तो हीरो ही है मेन जो है, रॉकी तो हीरो ही है, बट बाकी विलन बहुत तगड़े तगड़े हैं यार, कुछ हिडन विलन है, कुछ सामने से आके मारते हैं। मेरे को लगता है ये पिक्चर इसलिए ज्यादा अच्छी है कि थिएटर में देखनी चाहिए। बट मैं आपको एक बात बता सकती हूँ, मैं तो थिएटर में देखने वाली पिक्चर, बट सबसे मजेदार बात आपको ये बता सकती हूँ कि इस पिक्चर में ना हीरोइन से भी ज्यादा तैयार होने का टाइम पता किसने लगाया, संजय दत्त ने। तो प्लीज गो एंड वॉच, बिकॉज ही इज लुकिंग वेरी डिफरेंट एंड वेरी अमेजिंग। बाहर निकलने की जगह मिली, बहुत टाइम बाद थिएटर में मूवी देखी। आई थिंक हॉलीवुड बॉलीवुड लास्ट मैंने पिछले एक दो साल में जितनी मूवीज देखी होंगी, आई कैन से दैट दिस इज हाईली रिकमेंडेड। वाओ, सो मच बटर चिकन इंग्लिश, आई थिंक इट्स 2 ऑलरेडी एट नाइट, 2 बज गए रात की, पान मिलेगा कहीं पता नहीं। आप बस ये करो, मेरी बात मानो, बाकी सब छोड़ो इधर उधर की बातें, जाके देख लो। और थिएटर में ही जाना, क्योंकि जो साउंड इफेक्ट्स होते हैं ना, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। हमारी गाड़ी कहाँ है? हाड़ी गाड़ी खड़ी है, वो खड़ी है जी, खड़ी है। चलिए, ये मौसम का जादू।